के बारे में, मतलब ठोस में जो दोष क्रिएट होता है, ठीक है, आए कोई नहीं बोलेगा सांद्रो, ठोस में जो दोष क्रिएट होता है उस दोष के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो दोष होता है ना, वो कहीं ना टेम्परेचर बढ़ाने से, यानी कहीं ना कहीं सिस्टम को हीट देने के कारण देखने को मिलता है। आए लड़के, तो सुनो, तो पिछले क्लास में क्या बात किया था मैंने कि ठोस में दोष क्या होता है, तो किसी भी क्रिस्टल जाला को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं या उष्मा प्रोवाइड करते हैं। तो क्रिस्टल जालक में जो परमाणु जो अरेंज होता है, वो परमाणु क्या करता है, क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर बाहर निकल जाता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, उस ठोस में दोष कहलाता है। ठीक है, आए लड़का, तुम खड़ा जाओ, तो एक डंडा लाइए, तो चलो खड़ा जाओ, उसको बोल रहे पीछे लगा, चलो खड़ा जाओ, मोबाइल चार्ज करने के लिए तुम आया यहाँ पे, रुको अभी दिखाते, रुको रुको, तुम कौन बोला रहे, चलो खड़ा हो, तो चलो बताओ, अभी 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 मैंने जस्ट क्या बोला था, तो ध्यान देगा उधर ना, कि पढ़ने के लिए आया कि मोबाइल चलाने के लिए, रखो मोबाइल बैग में, तो क्या तुम उसको छुड़ा, चलो सांद्रा बैठो, जब बोल रहे तब शांत हो गए, इधर देखो, चलो सुनो, आए देखो इधर, अब मैंने बोला था जो दोष था हमारा वो दो प्रकार का पढ़ना है, कितने प्रकार का पढ़ना है, दो प्रकार का, एक था हमारा बिंदु दोष, एक क्या था हमारा रेखीय दोष। ठीक है, बिंदु दोष किसको कर किसको बोलते थे हम, अरे लगाए फिर बात कर रहा है तुम, क्या पढ़ा है तुम लोग, अब खुद में बात वाले करो, आए कहां से रही तुम, हम देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, हम उसको थको लो तो इधर, चलो सुनो, दो प्रकार का दोष मैंने पढ़ा था, एक था बिंदु दोष, एक क्या था हमारा रेखीय दोष। मतलब जब क्रिस्टल को जब गर्म करते हैं ना, या उष्मा प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्रिस्टल मतलब जालक बिंदु में से जब परमाणु बाहर निकल जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको, हम बिंदु दोष बोलते थे, है ना। और जब मान लो पूरा रेखा में से क्या होता है, पूरा एक लाइन में से क्या होता है, परमाणु या एटम या मॉलिक्यूल कुछ भी जो होता है वो बाहर निकल जाता है, तो वो क्या होता है हमारा रेखीय दोष कहलाता है। ये मैंने डेफिनेशन वगैरह शायद लिखाया था। आज हम सबसे इंपोर्टेंट के बारे में बात करेंगे हम, कि ये जो बिंदु दोष होता है ना, ये कितने प्रकार का होता है, क्वेश्चन तुमको यहां से पूछता है। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालते हैं, बिंदु दोष के प्रकार। हमको रेखीय दोष के बारे में बात नहीं करना, हमको बिंदु दोष के बारे में बात करना। चलो लिखो, तो चलो लिखो, बिंदु दोष का प्रकार। इसका डेफिनेशन मैंने बोला था, इसका टाइप लिखेंगे आज हम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। Thank you.
आई लगे सब अभी आइए, बात मत करो। देख रहा है कौन सा बात कर रहा है? Thank you.
फिर बोलेगा तुम। हाँ क्या तो थोड़ा कथी बुझाया हूँ आप बुझा रहा ना। इसके नीचे टाइप है, दो टाइप का ये, दो टाइप का ये, और ये सिंगल होता है ये। यहाँ पे ना तुम VVI कर लेना, ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है। पढ़ने के लिए तो पूरा बहुत कुछ पढ़ना है लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला हमारा, तो जल्दी नोट करो दोस्तों। बताते हैं अभी, रुको तुमको। एक मिनट सुनो, अब हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे दोष मैंने दो टाइप का मैंने देखा था। एक बिंदु दोष था, बिंदु कहने का मतलब जब एक परमाणु या दो परमाणु टाइप का जब बाहर निकलता है हीट करने के पश्चात तो उसको हम बिंदु दोष बोलते हैं।
एक था हमारा लाइन मतलब रेखीय दोष था हमारा, कि हीट करने में पूरा लाइन गायब हो जाता है एक ठो, ठीक है। तो हमको रेखीय दोष के बारे में नहीं बात करना है, हमको क्या बात करेंगे हम बिंदु दोष के बारे में। तो इसका टाइप के बारे में बात करना है, इसी को पढ़ना है चैप्टर के अंदर में हमको। तो थोड़ा देखो तो इधर स्टार्ट किए करते हैं, चलो सुनो। तो अब ये जो होता है ना वो तीन टाइप का पढ़ना है, कितने टाइप का पढ़ना है, तीन टाइप का। एक को बोलते हैं हम लोग रस समीकरण दोष बोलते हैं, एक को बोलते हैं और रस समीकरण दोष बोलते हैं, और तीसरा जो होता है वो सिंगल होता है जिसको हम अशुद्धि दोष के नाम से जानते हैं। सबका मतलब समझाते हैं हम। ये जो रस समीकरण जो है यहाँ पे, इसको हम इंग्लिश में ना हम स्टोइकियोमेट्री के नाम से भी जानते हैं, आ इसको हिंदी में ऐसे ही लिख सकते हैं, दोनों नाम सही है। रस समीकरण लिख लो, या इसको हिंदी में ना हम स्टोइकियोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये इंग्लिश वर्ड है जिसको मैंने स्टोइकियोमेट्री लिखा है यहाँ पे, आ इसका हिंदी मतलब क्या होता है, रस समीकरण। कहने का मतलब ये है कि रस समीकरण कहने का मतलब ये होता है कि मेरे पास कोई भी अगर क्रिस्टल है या क्रिस्टल जालक है या क्रिस्टल तंत्र है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें मेटल का और नॉन मेटल का, धातु का और अधातु का रेशियो क्या रहता है, हमेशा समान रहता है, ये चेंज नहीं करेगा तुमको। अब जनरली ना ये दोष वगैरह ना हमको ना आयनिक कंपाउंड में देखने को मिलता है, विद्युत संयोजक कंपाउंड में देखने को मिलता है, जहां पे केटायन और एनायन होगा, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें धनायन और ऋणायन देखने को मिलता है, ऐसा क्रिस्टल, उसी में ये दोष देखने को मिलता है। जैसे मान लो, सुनो समझा देते हैं हम, जैसे मान लो मेरे पास ना ये क्रिस्टल है, हमको पता है ये मेरे पास ना सॉल्ट का क्रिस्टल है, मतलब नमक का क्रिस्टल है, नमक का छोटा सा ढेला लाया, उसमें क्या होता है मान लो Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, Na प्लस होता है और क्या होता है Cl माइनस होता है, ठीक है। बड़ा सा मैंने रॉक लाया, चट्टान लाया मैंने नमक का, उसको मैंने पीसा नहीं है, मेरे पास एक चट्टान है, ठीक है, उसका बात कर रही है NaCl का, कुछ इस तरीके का होगा। इसमें क्या होता है एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन। अब इसको जब हीट करते हैं मान लो, तो कुछ डिफेक्ट क्रिएट होगा, हमको पता है कौन सा डिफेक्ट, अभी पता नहीं कि हीट करेंगे तो कुछ बाहर निकलेगा कुछ यहाँ से, तो वो हमको उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मतलब हाँ, अगर इस यहाँ पे कुछ डिफेक्ट अगर क्रिएट भी होता है, अगर मान लो कुछ बाहर निकल जाता है इसमें, तब पर भी क्या करेंगे, इसमें जो मेटल का और नॉन मेटल का जो रेशियो रहेगा ना हमेशा मेंटेन रहेगा, चेंज नहीं करेगा। जैसे समझते सुनो, तो जैसे मान लो मैंने ना क्रिस्टल लिया यहाँ पे, वही क्रिस्टल का Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। मैंने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया। अब जैसे हीट किया तो मैंने क्या देखा यहां से कि एक Na प्लस है एक Cl माइनस क्या हो गया मान लो बाहर चला गया, एक Na प्लस एक Cl माइनस क्या हो गया यहां से बाहर चला गया। अब तुम चेक करो तो पहले बताओ तो इसमें धनायन कितना था ऋणायन कितना था, पहले कितना था हीट करने से पहले कितना धनायन कितना ऋणायन था, देखो तो यहाँ पे एक दो तीन चार, चार धनायन और चार एनायन, मतलब धनायन और एनायन का जो रेशियो निकाले हैं कितना रहा, चार बटे चार, काटेंगे तो कितना हो जाएगा एक के बराबर। और जब मैंने इसको हीट करके जब इसमें डिफेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया, तो मैंने क्या बोला, एक केटायन बाहर निकला, एक क्या निकला यहां से बाहर एनायन, मतलब एक धनायन बाहर निकला है एक ऋणायन। तो जब बताओ तो एक धनायन एक ऋणायन बाहर निकलेगा, तब इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, चेक करो तो वन नहीं आएगा, मतलब तीन बटा तीन कितना हो जाएगा वन। तक तो बताओ ऐसा डिफेक्ट जिसमें मेटल और नॉन मेटल का जो रेशियो रहता है हमेशा क्या रहता है, मेंटेन रहता है, समान रहता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग रस समीकरण दोष के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है, मतलब मेटल और नॉन मेटल अगर डिफेक्ट भी क्रिएट होगा तो भाई रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा, उसमें रेशियो कभी चेंज नहीं करेगा। केटायन एनायन चेंज कर सकता है, लेकिन उसका जो रेशियो का बात करेंगे वो हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट, तो उसी को बोलते हैं हम लोग रस समीकरण दोष के नाम से जानते हैं। सिमिलरली एक और रस समीकरण होता है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट, मतलब केटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन का रेशियो क्या होता है यहाँ पे, असमान होता है, मतलब जब डिफेक्ट क्रिएट होगा ना तब उसका रेशियो निकालेंगे तो समान के बराबर वो नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग और रस समीकरण के नाम से जानते हैं। और लास्ट में पढ़ना अशुद्धि दोष क्या होता है, ये सबसे डिफरेंट है, इसके बारे में बात करेंगे अलग से हम। अब देखो तो ये जो दोष होता है ना वो दो टाइप का पढ़ना है, कितने टाइप का पढ़ना है, दो टाइप का, एक होता है शॉर्टकी दोष और एक होता है फ्रेंकल दोष। ये नाम अजीब लग रहा है लेकिन बिहार बोर्ड को अजीब नहीं लग रहा, बहुत बार पूछा ये। एक है शॉर्टकी दोष और एक क्या होता है फ्रेंकल दोष, दोनों का डेफिनेशन पढ़ेंगे, दोनों में अंतर पढ़ेंगे। आइए, मैंने लिखा वीवीआई कम, इतना याद करो या ना करो, कम से कम तुमको ये दोनों याद रखना है और दोनों का डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए। चलो, इसके बाद ये भी दो टाइप का है, धातु अधिक के दोष बोलते हैं, क्या 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 बोलते हैं, धातु न्यूनता या न्यूनतम दोष बोलते हैं। तो चलो, उतना हम समझते नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला में स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्टकी दोष क्या होता है।
शॉर्ट के दोस्त के बाद क्या पढ़ेंगे हम, फ्रेंकल दोस्त, और फिर दोनों में डिफरेंस पढ़ लेंगे, इतना काम करना है आज हमको। ठीक है चलो स्टार्ट करते, सुनो तो चलो देखो इधर, ये शॉर्ट की दोस्त क्या होता, सुनो देखो ये क्या लिखा मैंने, देखो मैंने दो डेफिनेशन दिया तुमको, हल्का वाला ये लग रहा है इसको याद रख लेना, ठीक है ये वाला याद रखना, समझने के लिए दोनों है, समझ लो थोड़ा इधर। यह एक रस समीकरण दोष है, कैसा दोष है ये, एक रस समीकरण दोष है, ये किसका टाइप है, रस समीकरण दोष का टाइप है, जिसमें कभी भी हीट वगैरह करेंगे तो केटायन एनायन का रेशियो क्या रहेगा, हमेशा मेंटेन रहेगा, चेंज नहीं करेगा। सुनो यह एक रस समीकरण दोष है जो किसी भी आयनिक या विद्युत संयोजन क्रिस्टल में देखने को मिलता है ना, मतलब आयनिक कंपाउंड में, कैसा कंपाउंड है ये, आयनिक कंपाउंड जो सब आयनिक के कंपाउंड में देखने को मिलता है, यह जो ये जो होता है ना किसी आयनिक या विद्युत संयोजन क्रिस्टल जालक को गर्म करने के पश्चात समान मात्रा में जब धनायन और ऋणायन बाहर निकलता है या बाहर निकलने से यह दोष क्या होता है देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि मेरे पास एक क्या होगा, आयनिक क्रिस्टल होगा जिसको हीट करेंगे तो सेम अमाउंट में केटायन, मतलब सेम अमाउंट में धनायन और सेम अमाउंट में क्या बाहर निकलेगा, ऋणायन बाहर निकलता है, उसी को हम शॉटकी दोष के नाम से जानते हैं। तो बताओ तो ये कैसा दोष का एग्जांपल था, बताओ तो शॉटकी दोष, एक केटायन बाहर निकला था तो एक एनायन भी बाहर निकला था, अगर कोई बोलेगा दो केटायन दो एनायन बाहर निकल रहा है तो वैसे दोस्तों क्या बोलते हैं, शॉटकी दोष ही बोलेंगे। मतलब सिंपल है कि मेरे पास कोई भी आयनिक क्रिस्टल है उसमें से क्या करें, गर्म करने पर समान अमाउंट में केटायन और समान अमाउंट में जब एनायन बाहर निकलता है वो हमारा शॉटकी दोष का एग्जांपल है, बस इतना पढ़ना बात खत्म। इन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, सुनो जब समान मात्रा में धनायन एवं ऋणायन क्या करता है, क्रिस्टल जालक से बाहर निकलता है वो गर्म करने पर, क्योंकि गर्म करने वाला वर्ड पहले से मैंने डाला, निकलता है तो यह दोष क्या कहलाता है, शॉटकी दोष कहलाता है। बात क्लियर है, चलो ठीक है रुको आप एक मिनट यहाँ पे, आप इसका कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है अब सुनो तो इसका एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखो तो जैसे मान लो मेरे पास ऐसे करके है, सुनो ये क्या मान लो मेरे पास ना है, मैंने दिया Na प्लस और मैंने दिया Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और क्या यहाँ पे है Cl माइनस, मैंने यहां से क्या बाहर निकाल दिया, मान लो एक Na प्लस बाहर निकाल दिया और एक क्या बाहर निकाल दिया मैंने यहाँ पे, एक Cl माइनस बाहर निकाल दिया, तो कोई बोलेगा इसमें से कौन सा दोष क्रिएट हो रहा बताओ तुम, तो क्या बोलेंगे इसको हम, शॉटकी दोष के नाम से जानते हैं, शॉटकी दोष। अब तुम ये बताओ तो जब केटायन एनायन सेम अमाउंट बाहर निकला था क्या इसके रेशियो कोई फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रस समीकरण दोष के नाम से भी जानते हैं। चलो इसको लिख लो जल्दी यहाँ पे, इधर वाला मिटा रहे हैं, कहा चला गया ये तो हमको ही मिटा दिया था, Thank you.
इधर वाला लिख लिया। चलो सुनो एक मिनट, आप इधर वाला लिख लिया, हम अब ऐड करेंगे आगे। हम सुनो, मैंने क्या देखा अभी, शॉर्ट की दोस्त क्या होता है, जब क्या होता है क्रिस्टल जालक में, क्या होता है जब समान अमाउंट में, समान मात्रा में धनायन और ऋणायन, ठीक है, धन समान मात्रा में क्या होता है, मेटल एवं नॉन मेटल बोलो या धनायन या ऋणायन बोल दो, जब समान अमाउंट धनायन और ऋणायन क्या होता है क्रिस्टल से बाहर निकलता है, तो वह दोष क्या कहलाता है हमारा, शॉर्टकी दोष कहलाता है। अब ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो कुछ पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में तुमको काम करेगा, या जब डिफरेंस लिखने जाएंगे हम शॉर्टकी और फ्रैंकल में, तो ये हमको काम करेगा। सुनो देखो, याद करवा देते अब, तो सुनो, तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ से मैंने Na प्लस और Cl माइनस जब मैंने बाहर निकाला है, तो बताओ तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा घट जाएगा, घनत्व घट जाएगा कि बढ़ जाएगा। घनत्व क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बटा आयतन, तो बताओ तो द्रव्यमान कम जाएगा ना उसका, जैसे ही द्रव्यमान कम जाएगा तो उसका घनत्व कम जाएगा हमारा, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अगर द्रव्यमान क्रिस्टल जालक का कम हो जाएगा क्योंकि यहां से बाहर निकल गया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं घनत्व क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज कर जाएगा। तो कुछ पॉइंट मैंने लिखा, सुनो, तो इस दोष के कारण जाएगा तो वॉल्यूम भी लेकर जाएगा ना। देखो एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे, ये जो बाहर निकलता है ना, देखो साइज ज्यादा का फैक्टर होता है यहाँ पे, जो साइज जो होता है वो ज्यादा डिक्रीज कर जाता है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे निकले, अब वो निकलता है वहां से, तो वॉल्यूम कम जाएगा पता है, अब जैसे ही मालूम वॉल्यूम कम जाएगा कि बढ़ जाएगा, वॉल्यूम उसका जो है जितना जगह छेक रहा था वो जगह कम जाएगा हमारा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा घटेगा कि बढ़ेगा। सुनो ऐसे करके समझता, जैसे मान लो यहाँ पे ना Na प्लस बाहर आ गया और Cl माइनस क्या हो गया यहाँ से बाहर आ गया, तो तुम ये बताओ तो देखो यहाँ पे क्या होता, डेंसिटी क्या होता, मास बटा वॉल्यूम। आप बताओ तो ये Na प्लस Cl माइनस जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ से, तो वो जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, खाली हो जाएगा। अब जगह जैसे ही खाली हो जाएगा, तो ये जगह जितना यहाँ से गया वो जगह खाली है, चलो ठीक है। अब जितना सारा मेटल है नॉन मेटल है, तो हम वॉल्यूम का बात ना करके यहाँ पे हम डायरेक्ट मास का ही क्या बात करेंगे, मास देखो, मास एक बड़ा फैक्टर है हमारा, मास जैसे ही कम होगा, तो मान लो सोडियम का मास कितना होता है 23, क्लोरीन का मास होता है कितना 35 के आसपास, तो 35 अब 20 कितना 70, 50 कम जाएगा, तो 50 मास कम रहा, तो पहले मास फैक्टर करते बात हो, वॉल्यूम कमेगा कमेगा बढ़ेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन मास ज्यादा क्या होता है यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, तो मास को हम पकड़ेंगे। देखो अगर ये दोनों बाहर निकले तो 23 या 23 कम हो गया, ऐसे कितना कम हो गया 35, यानी 30 50 55 तीन 58 कम हो गया, तो 58 कम गया, तो मास बहुत ज्यादा कम हो रहा है ना, तो क्या बोल सकते हो ओवरऑल हमारा घनत्व क्या हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है, तुम ऐसे बता सकते हो। तो सुनो तो यहाँ पे इस दोष के कारण क्या होता है, क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या होता है कम हो जाता है या डिक्रीज कर जाता है। सेकेंड पॉइंट उससे आगे मैंने लिखा है,
अब यह दोष कहां कहां देखने को मिलता है सुनो तो, जहां पे धनायन और ऋणायन का साइज बराबर होता है वहां पर यह दोष तुमको देखने को मिलता है। अब तुम बोले कहां पे साइज बराबर होता है, तो सुनो यहां पे, यह जो देखने को मिलता है जब पहले और सेकेंड ग्रुप के समूह का जो तत्व होता है सत्रहवें ग्रुप के तत्व के साथ जब कंबाइंड करके जो क्रिस्टल तैयार करता है, तो वहां पे जो दोनों का साइज होता है ना लगभग लगभग क्या होता है, कंपेरेबल होता है, बराबर होता है। तो बताओ तो यह जो दोष देखने को मिलता है कौन से कंपाउंड में देखने को मिलेगा, NaCl पहले ग्रुप का मेटल और 17 ग्रुप का नॉन मेटल, है ना, पोटेशियम क्लोराइड पहले ग्रुप का मेटल 17 ग्रुप का नॉन मेटल, पोटेशियम ब्रोमाइड सोडियम ब्रोमाइड, तो ये सब हमारा कौन सा दोष दिखाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाता है, क्योंकि साइज दोनों का बराबर है। आप देखो हीट करेंगे तो दोनों का जब साइज कंपेरेबल होता है तो दोनों साथ साथ बाहर निकल जाता है, साइज दोनों का बराबर, अगर बड़ा साइज होगा छोटा हो जाएगा तो वहां पे एक वो चीज बाहर निकलेगा, तो हम आगे बताएंगे फ्रेंकल डिफेक्ट में। जब दोनों का साइज बराबर होता है ना तो जब उसको गर्म करते हैं तो दोनों क्या होता है एक साथ बाहर निकल जाता है ना, तो एक साथ बाहर निकलेगा तो दोनों का साइज कैसा होता है लगभग लगभग कंपेरेबल, यानी दोनों का बराबर साइज होता है। तो यह कहां देखने को मिलता है, तो पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप के साथ जब 17वें ग्रुप का नॉन मेटल जब कंबाइंड करता है तब कुछ ऐसा एग्जाम्पल आएगा, तो तुमको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। पूछेगा NaCl कौन सा दोष दिखाता है, तो पहले ग्रुप का मेटल 17वें ग्रुप का नॉन मेटल, तो क्या बोल देंगे कौन सा दोष दिखाता है, ये शॉर्टकी दोष दिखाता है। इतना सारा पॉइंट क्लियर है, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंकल दोष के बारे में, इधर हम मिटा रहे हैं। देखो दोनों ना मिलता जुलता टर्म है, तो हम एक पढ़ लेंगे दोनों पढ़ लेंगे हम, चलो तो अब इसको इसके फ्रेंकल के बारे में बात करते हैं हम। चलो लिखो सेकेंड यहाँ पर,
चलो एक मिनट रुको, तो आप थोड़ा इसको देख लो फिर छोड़ देंगे। सुनो तो देखो, ये दो भी पढ़ लेंगे ना, तो दोनों में ना डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा हमारा। आया पीछे ला जाए, देखो तो एक मिनट अब टाइम देंगे लिखने के लिए। सुनो तो, अभी जस्ट मैंने देखा शॉर्ट की डिफेक्ट कहाँ पर देखने को मिलता है, जब क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन क्या होता है समान अमाउंट में जब बाहर निकल जाता है। इसको हम रस समीकरण दोष भी बोलते हैं, इसको हम बिंदु दोष भी बोलते हैं, क्योंकि बिंदु दोष का टाइप है। रस समीकरण मैंने क्यों बोला, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल का रेशियो क्या रहेगा, हमेशा मेंटेन रहेगा। क्लियर है? चलो सही है। अब देखो तो इससे निकलने से क्या होता है, घनत्व में फर्क पड़ता है, घनत्व डिक्रीज कर जाता है। यह कहां देखने को मिलता है, जब धनायन और ऋणायन का साइज कंपरेबल होता है। कंपरेबल कहां पर देखने को मिलता है, जब पहले ग्रुप का तत्व या दूसरे ग्रुप का तत्व जब 17वें ग्रुप के अधातु से जब क्या करता है, कंबाइंड करके क्रिस्टल का निर्माण करता है, तो वहां पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सेकेंड दोष के बारे में। सुनो तो, यहाँ पे फ्रेंकल दोष क्या होता है, तो हम एक चीज यहाँ बताना चाहेंगे। सुनो तो देखो, जहां पे एटम अरेंज होता है ना, उसको हम एक नाम से जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग उस दिन बताए थे हम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जालक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जालक बिंदु बोलते हैं। अब पूरा लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेखीय रेखीय जालक बोलते हैं, या जालक रेखीय बोलते हैं। पूरा को बोलते हैं क्या हम, सुनो एक मिनट, पूरा को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल जालक। क्या बोलते हैं पूरे को हम? क्रिस्टल जालक, जिसको जिसके बारे में बहुत सारा मैंने पढ़ा है, क्रिस्टल जालक। एक बिंदु को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, एक बिंदु को जालक बिंदु के नाम से जानते हैं, जालक बिंदु। मतलब क्रिस्टल जालक का जो बिंदु होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जालक बिंदु बोलते हैं। अब तो सुनो तो, यहाँ पे अब इसके बाद ना अंदर में ना कुछ व्हाइट वगैरह होता है। क्या होता है अंदर में? कुछ व्हाइट वगैरह होता है, कुछ रिक्तियां होता है। हमको पता है सॉलिड वगैरह में क्या होता है, बीच बीच में कुछ थोड़ा थोड़ा व्हाइट बना हुआ होता है, THB OHB टाइप का व्हाइट होता है। इस व्हाइट वाले पोजीशन में क्या बोलते हैं पता है, इसको तो व्हाइट तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन एक वर्ड का यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग अंतराकाशीय स्थान बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम से बोलते हैं इसको, हम इंग्लिश से बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट के नाम जानते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, अंतराकाशी पोजीशन या अंतराकाशी स्थान बोलते हैं हिंदी में। मतलब इस पॉइंट, इस जगह को बोल जहां पर रिक्तियां होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंतराकाशी स्थान बोलते हैं, इसको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल साइट के नाम जानते हैं, या लैटी साइट बोलते हैं। तो तुमको इंग्लिश जाना जरूरी नहीं है, इसको बोलते हैं जालक बिंदु। जो खाली जगह होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंतराकाशी स्थान बोलते हैं। सुनो, फ्रेंकल दोष क्या होता है, यह एक रस समीकरण दोष है, क्योंकि उसी का टाइप है सेकंड वाला, समझा देंगे ऐसा क्यों होता है। जो कहां पर होता है, जो क्रिस्टल जालक बिंदु से जब क्या होता है आयन, क्रिस्टल जालक बिंदु ये सब है ना हमारा, क्रिस्टल जालक बिंदु ये सब है हमारा,
तो इसमें से क्या होता है, जब केवल केटायन, क्या होता है केटायन या एनायन दोनों में से कोई एक, केटायन या एनायन मतलब धनायन या ऋणायन में से दोनों में से क्या चीज, दोनों में से क्या बोला मैंने, कोई भी एक, जनरली ना केटायन बाहर निकलने से होता, धनायन या ऋणायन में से कोई भी एक, लेकिन प्रायः जो देखने को मिलता है वो केटायन बाहर निकल जाता है। तो केटायन जो बाहर निकलेगा ना वो पूरा क्रिस्टल साइट से बाहर नहीं निकलता है, क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं निकलता है, उसमें क्या होता है वॉइड में जाके ट्रैप कर जाता है। इसको हीट करेंगे गर्म करेंगे तो यहाँ से केटायन बाहर निकलता है क्रिस्टल साइट में से, यहाँ पे जालक बिंदु में से, और कहाँ चला जाता है वो अंतराकाशी पोजिशन में चला जाता है। तो ऐसा ही डिफेक्ट क्या कहलाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है, बस इतना याद रखना है। तो यह एक रस समीकरण दोष है जो क्रिस्टल जालक बिंदु से आयन मतलब जालक बिंदु से आयन कहाँ चला जाता है बाहर, आयन प्रायः धनायन, प्रायः क्या होता है वो धनायन बाहर निकलता है, ऋणायन भी निकल सकता है लेकिन ज्यादातर केस में केटायन बाहर निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग धनायन बोलते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो बाहर निकल कहाँ पहुंच जाता है अंतराकाशीय स्थान पर, क्रिस्टल से बाहर नहीं आता, जालक क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं आता है, वो अंतराकाशीय स्थान पर ट्रैप हो जाता है। तो यही दोष क्या कहलाता है हमारा, फ्रेंकल दोष के नाम से जाना जाता है। अब बताओ तो फ्रेंकल दोष मैंने पढ़ा तो बताओ एजी प्लस क्या बाहर निकला यहां से, नहीं निकला है, तो बताओ धनायन और ऋणायन का रेशियो मेंटेन है कि चेंज हो गया, मेंटेन है बराबर है, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, तो बताओ तो इसको हम क्या रस समीकरण दोष बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि मेटल नॉन मेटल का रेशियो क्या हो रहा, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब एक बार तुम बताओ तो क्या घनत्व चेंज कर रहा है इसका, घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है मास बटा वॉल्यूम द्रव्यमान बटा आयतन, क्या इसका द्रव्यमान चेंज किया है, नहीं चेंज किया है, तो क्या इसे घनत्व चेंज होगा, नहीं होगा, इससे क्या होता है घनत्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेकेंड पॉइंट ये हो गया। अब इसमें जो होता है ना, अब ये दोष कहां देखने को मिलता है, जब हीट करते हैं क्रिस्टल को तो जहां पर ऋणायन का साइज बड़ा होता है और धनायन का साइज छोटा होता है वहां पर देखने को मिलता है, वहां पर दोनों का साइज बराबर था, यहाँ पर ऋणायन का साइज बड़ा होगा, धनायन का साइज क्या होता है छोटा होता है, छोटा साइज वाला बाहर निकल जाता जल्दी, इसलिए बोलते हैं जनरली ना केटायन बाहर निकलता है, क्योंकि साइज उसका क्या होता है छोटा होता है। अब ये जो एग्जांपल देखने को मिलता है कहां पता, डी ब्लॉक एलिमेंट का, डी ब्लॉक का मेटल होगा और पी ब्लॉक का क्या होता है नॉन मेटल, वहां पे फिक्स था पहला और दूसरा ग्रुप का मेटल था हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट होगा, जैसे मान लो सिल्वर कहाँ का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, जिंक सल्फाइड हो जाएगा, मतलब जब डी ब्लॉक का मेटल आता है ना समझ लो कैसा डिफेक्ट शो करेगा, वो फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाएगा, क्लियर है बात इतना, चलो सही है। अब तुम ये बताओ तो कोई बोलेगा फ्रेंकल में और शॉटकी डिफेक्ट में क्या क्या डिफरेंस है, तो बता सकता है, बहुत सारा पॉइंट क्लियर हो गया, क्या क्या बोलेंगे सुनो, समझा देते हैं कल लिखा देंगे। सुनो शॉटकी में फ्रेंकल में क्या क्या डिफरेंस है, शॉटकी में क्या होता है केटायन एनायन दोनों बाहर निकल जाता है क्रिस्टल जालक से, जालक से बाहर निकल जाता है, यहाँ पे क्या होता है केवल धनायन क्या होता है जालक से, जालक बिंदु से बाहर निकलकर अंतराकाशीय स्थान पहुंच जाता है, ठीक है पहला डिफरेंस दोनों में। दूसरा क्या इसमें, इसमें हमको पता पहला में डेंसिटी डिक्रीज कर जाता था, यहाँ पे घनत्व क्या है कांस्टेंट है हमारा, यह भी रस समीकरण दोष है, यह भी क्या है रस समीकरण दोष है। आगे क्या लिखाएंगे, ये जनरली कहां पे देखने को मिलता है, जहां पे केटायन और ऋणायन का साइज क्या होता है कंपेरेबल होता है यानी बराबर होता है, ये कहां पर देखने को मिलता है जहां पे ऋणायन का साइज बड़ा होता है धनायन का साइज छोटा होता है। एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, तो इसमें NaCl NaBr KCl टाइप का एग्जाम्पल था, इसमें कौन सा एग्जाम्पल है डी ब्लॉक का मेटल वाला, जैसे AgCl AgBr AgI टाइप का एग्जाम्पल है, तो डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पे एक नोट करके मैंने पॉइंट लिखा है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है हमारा, AgBr जो होता है ना सिल्वर ब्रोमाइड है, वो हमारा एक्सेप्शन है जो कहीं ना कहीं फ्रेंकल और शॉटकी दोनों दोष दिखाता है, ये याद रखना, AgBr जो होता है ना वो दोनों दोष दिखाता है, ये नोट करके लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ना नीट में भी कई बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड में भी पूछा था, चलो नोट कर लो, अगले क्लास में हम आगे बात करेंगे, लिख लो इसको।